मेरी अति प्रियो यीशु के नाम से अभिवादन करता हूँ। मैं यरूशलेम के नजदीक से ही प्रचार कर रहा हूँ। मेरे इधर आप देख रहे ना, ये जो है जैतून पहाड़ को कहते हैं, और मेरे ठीक पीछे यरूशलेम की मंदिर की मोरिया पहाड़ है, उसी जहाँ पर यीशु वहाँ मरे, कोलकाता पहाड़ है। और यहाँ पर मेरे तरफ देख रहे ना, ये सियोन पर्वत कहते हैं। यरूशलेम के चारों तरफ आप पहाड़ को देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। जहाँ से यहाँ से प्रचार करना मेरे लिए आनंद की बात है। पहला सामेल की पुस्तक पहला अध्याय की 17 वचन में देखेंगे, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इसराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। अन्ना को लंबी समय से संतान नहीं है, चारों तरफ से उनको निंदा अपमान है, अपमान को सह नहीं सक रही है, इसलिए परमेश्वर से दुआ करके मांग रही, यदि तू मुझे संतान दे नहीं तो मैं अपना जीवन दे दूंगी। ऐसे ही वो विनती करने के वक्त में परमेश्वर ने अपने दास एली के द्वारा उनको उत्तर दिया, तेरा विनती को मैंने सुना, कुशल से चले जा, तेरे लिए वर दूंगा। ऐसे ही प्रभु उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया, सही वक्त में उनको संतान को दिया, उनकी आंसू निंदा को पोछा। आज परमेश्वर का दास मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, जिस बातों के लिए आपने प्रभु से विनती की, मन्नत मानी है, उसको प्रभु सुन के आपकी विनती को उत्तर देगा। शायद आपको संतान नहीं, आपका जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं है, कर्जा इतना बढ़ चुका, जीवन में इतना निंदा अपमान को सह चुके हैं, इसलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है, इसराइल का परमेश्वर आपकी विनती को सुना है, वो उत्तर को भी दिया है। इसराइल का परमेश्वर जो है ताकत रखता है, सामर्थ रखता है, उनकी सामर्थ पर क्या आज आपको विश्वास है? जरूर परमेश्वर आपकी विनती को सुन के आपके सभी बातों को उत्तर देंगे। आज कहना है, तू मेरी प्रार्थना को सुनने वाला, जैसे अन्ना की प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया है, वैसे ही मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे, ऐसे ही प्रभु से आप कहना है। उसके बाद अन्ना खुशी के साथ चलेगी, ऐसे ही आप भी परमेश्वर से कह दिए तो आनंद के साथ, विश्वास के साथ रहना, परमेश्वर जरूर आपको उत्तर देंगे। एक मिनट आंखों को बंद करके, हे परमेश्वर इसराइल का प्रभु, तू मेरी प्रार्थना को सुना, आंसू को देखा है, तू मुझे उत्तर को दिया है, अद्भुत कामों के लिए उम्मीद के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन।